पलपल न्यूज के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। योगी राज में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में हम लगातार आप लोगों के सामने खबरें दिखाते रहते हैं। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि योगी राज में क्या कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में गोदी मीडिया आपको बताएगा तो ये आपकी गलतफहमी है, जो जिसकी उम्मीद आप गोदी मीडिया से लगा रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया सिर्फ 2019 का एजेंडा सेट करने में व्यस्त है, क्योंकि पुरजोर तरीके से कोशिशें की जा रही है विपक्ष को बदनाम करके मोदी सरकार को वापस 2019 में सत्ता दिलाने के लिए। ऐसी ही शर्मनाक खबर 26 जनवरी 2018 को हम लोगों के सामने कासगंज से आती है, जहां पर जबरन मुस्लिम इलाके में भगवाधारी अपनी रैली लेकर के जाने की कोशिश करते हैं और जब वहां पर राष्ट्रगान का प्रोग्राम मुस्लिमों द्वारा रखा जाता है तो वो पहले राष्ट्रगान को रोक करके अपनी रैली निकालने की जिद पर अड़ जाते हैं। इसको लेकर के फिर विवाद होता है और फिर तमाम बड़ा प्रोपेगेंडा मुस्लिमों के खिलाफ शुरू हो जाता है और न्यूज रूम में बैठे बैठे बड़े बड़े एंकर अब तिरंगा फहराने पर भी भारत में पूछना पड़ेगा क्या, इस तरीके के स्लोगन से आप लोगों के सामने खबर को पेश किया जाता है कि सारी फसाद की जड़ कासगंज में मुसलमान थे और उन्हीं रिपोर्ट के आधार पर हमारी यूपी की अंधी पुलिस जो सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करने में जुट गई और ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और इसके बाद भी वो यहां नहीं रुके। जिन लोगों को दंगे के रूप में इन लोगों ने जेल में डाला था, चाहे रैली निकालने वाले लोग हो चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हो, जहां सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया और जेल की सलाखों के पीछे सड़ने पर मजबूर कर दिया गया। और अभी ही एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जो हम लोगों के सामने आई है वो ये है कि जो फसाद करने की जड़ थे, जिन्होंने फसाद को पैदा किया, आज वो आजाद घूम रहे हैं और यूपी की जेल की सलाखों के पीछे बेगुनाह मुसलमान सड़ाए जा रहे हैं। इसके पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और सिर्फ अपना 2019 का एजेंडा सेट करने के लिए इन तमाम तरीके के हथकंडों को भारतीय जनता पार्टी के राज में अपनाया जा रहा है, क्योंकि 2019 के लिए इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान। क्योंकि 2019 में इन लोगों ने जो हिंदुओं से ही वादे किए थे उसे भी पूरे नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट उन लोगों ने कही थी 2014 में आने से पहले। अब दिल्ली में मोदी, यूपी में योगी, अब देखते हैं राम मंदिर कैसे नहीं बन पाएगा, जहां योगी सरकार को भी 2 साल पूरे हो गए हैं और 4 साल केंद्र सरकार के बीत चुके हैं। अब जब हिंदुओं ने इनसे सवाल करना शुरू किया तो इन लोगों को इनकी अकल ठिकाने आई और इन लोगों ने मुद्दों में उलझाने के लिए छोड़ दिया कि कासगंज में देखो हम लोगों ने हिंदुओं को तो बचा लिया और मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। ऐसी ही तमाम खबरें लेकर के प्राइम टाइम में मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।